एक नौजवान दलित समाज का युवक रोनोजीत पासवान का दिन के उजाले में अपराधियों के द्वारा चाकू घोप कर निर्मम हत्या कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि यदि राज्य के किसी दलित परिवार में किसी का हत्या होता है तो सरकार उस परिवार के एक पढ़े लिखे इंसान को नौकरी देगी। अब हम एक बात आपसे कहते हैं कि जनप्रतिनिधि बन जाना और मास लीडर बनना दोनों दो चीज है। मैं विधायक रहूं ना रहूं, मैं 10 वर्ष से सत्ता से बाहर हूं, लेकिन इस जिले में किसी भी गरीब लाचार बीमार व्यक्ति को अगर हमारी जरूरत होती है तो मैं पैदल चलकर उसके समस्या का निदान कराता हूं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। 13 जनवरी 2021 को करजा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोनोजीत पासवान की जो है अपराधियों द्वारा चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में न्यायालय की तरफ से 2 आरोपी को जो है आजीवन कारावास की सजा हुई है, लेकिन जिस प्रकार के सरकार का नियम है कि जो भी दलित महादलित की हत्या होगी उसको सरकारी नौकरी दिया जाए उसके परिवार को, इसको लेकर देखिए कि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से मिलने के लिए आज पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार और जो मृतक रोनोजीत पासवान है उसके भाई और मां को लेकर आए हुए थे कि उनके परिवार को न्याय मिले, इसके साथ साथ जो है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी से उन्होंने मुलाकात की है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार और रोनोजीत की माँ, क्या आश्वासन मिला है उनको जिलाधिकारी की तरफ से, पहले आप वो सुनिए। डीएम साहब का नौकरी के लिए, बेटा के नौकरी दिलावे के लिए, बेटा के हत्यारा के मतलब हत्या कर दिया हमारा बड़ बेटा के, तो कौन पोषण पालन करेगा, तो हमारा सहारा एगो छोटा बेटा है वह न करेगा। रोनोज अमर अमर पासवान 2021 में 13 तारीख के 13 जनवरी के, हाँ आरोपियों की गिरफ्तारी और ऐलान आजीवन कारावास की सजा भी हो गया, वो दोनों के हो गया, 3 को भागा हुआ है। विधायक साहब के साथ आए हैं, हाँ अजीत कुमार के साथ हो, विधायक साहब हम नाम ना धरते हैं, बड़ भैया है तो भैया मानते हैं। क्या नाम हुआ उनका? आपका? रेखा देवी। डीएम साहब क्या बोले अंदर? बोले हैं कि ये होगा, बड़ी खुशी से लिए हैं और खुशी से फोन किए हैं, अफसोस भी किए हैं। 2021 को कांटी विधानसभा क्षेत्र के पकरी पकोही गांव में एक नौजवान दलित समाज का युवक रोनोजीत पासवान का दिन के उजाले में अपराधियों के द्वारा चाकू घोप कर निर्मम हत्या कर दिया गया था। उस हत्याकांड में करीब आधे दर्जन नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। मामला करजा थाना में दर्ज हुआ था और मामला दर्ज होने के उपरांत पीड़ित परिवार से देश के कई बड़े बड़े दलित और सामान्य वर्ग के नेता लोग आकर पीड़ित परिवार से मिले थे। सबों ने कहा था कि न्याय दिलाएंगे, लेकिन ये परिवार को आश्वासन का लाभ नहीं मिला। हम सबके सहयोग से ये परिवार लड़ते हुए और पिछले महीने न्यायालय के द्वारा जो भी नामजद अपराधी थे उसमें से 2 अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि यदि राज्य के किसी दलित परिवार में किसी का हत्या होता है तो सरकार उस परिवार के एक पढ़े लिखे इंसान को नौकरी देगी। इस संदर्भ में आज से 1.5 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी से उसकी माँ श्रीमती रेखा देवी और भाई अमर पासवान के साथ मैं मिला था आवेदन लेकर, और जिलाधिकारी महोदय ने मुख्यालय से संपर्क किया और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे मामले में जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक के सरकार नौकरी नहीं देती है। पिछले महीने 2 अभियुक्तों का आजीवन कारावास हुआ, जेल में बंद हैं, और उसी संदर्भ में पीड़ित रेखा देवी पासवान और अमर पासवान जो इनके एकमात्र लड़के हैं, ग्रेजुएट लड़का है, पढ़ा लिखा है,
इसकी नौकरी की मांग को लेकर हम जिलाधिकारी से मिलने आए थे। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया है और तुरंत कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि इस आवेदन का तुरंत से अध्ययन करें, उस पर आदेश भी किया है आवेदन पर, और फाइल तुरंत मेरे पास उपस्थापित करें और सरकार को फाइल भेजें ताकि इस नौजवान को हम नौकरी दे सकें। इसी संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे। जनप्रतिनिधि को छोड़ आपसे ये गुहार लगाने आए हैं आप? अब हम एक बात आपसे कहते हैं कि जनप्रतिनिधि बन जाना और मास लीडर बनना दोनों दो चीज है। मैं विधायक रहूं ना रहूं, मैं 10 वर्ष से सत्ता से बाहर हूं, लेकिन इस जिले में किसी भी गरीब लाचार बीमार व्यक्ति को अगर हमारी जरूरत होती है तो मैं पैदल चलकर उसके समस्या का निदान कराता हूं। और ये तो रेखा देवी पासवान मेरे परिवार की मेरी बहन है, इस ये तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। भले कुछ नेता हवा देकर चले गए लेकिन हम कहाँ चले जाएंगे, तो मेरी परिवार की लड़की है और इसको न्याय मिले इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। और आज आपको बहुत क्लियर कट बता देते हैं कि बिहार में हमारी सरकार है और हर हालत में इसके बेटा रोनजीत पासवान को हम नौकरी, रोनजीत पासवान के हत्या के एवज में अमर पासवान को नौकरी मिले, इसके लिए अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार का, इसके साथ ही जो रोनजीत की माँ है उनका क्या कुछ कहना था क्योंकि उनकी बेटी की हत्या हो गई थी। और देखिए कि जब जिलाधिकारी से मिलने के लिए जब माँ और उसके पुत्र जब पहुंचे थे अमर पासवान, तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा भावुक भी हो गए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो है न्याय मिला है। दो आरोपी को आजीवन कारावास हुआ है लेकिन अभी भी अन्य आरोपी जो है वो फरार है। इसी प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट लुक बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।